हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मसाला मिर्ची में। आज हम बनाने जा रहे हैं मैगी, तो आइए अपनी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 पैकेट मैगी लिया है, ये 10 का पैकेट है। बड़े टमाटर, फ्रेश मटर, प्याज को मैंने स्लाइस काटे हैं, और यहाँ पे 2 टेस्ट मेकर है, पत्ता गोभी। मैगी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा इसका। बस जैसे ही ये थोड़ा सा हीट हो जाए तो हम इसमें अब वेजी अपना डालना स्टार्ट कर देंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाए हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हमें लाइट ब्राउन करना है, तो थोड़ी देर से हमें फ्राई करना होगा। इसे हमें 1 से 1.5 मिनट तक पकाना है, और अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे। मैं यहाँ प्याज को 1 से 1.5 मिनट तक सिंगल फ्राई किया है। अब मैं डालूंगी इसमें मटर। ये फ्रेश मटर है, इसलिए आपको पहले ही डालना होगा। अगर आप फ्रोज़न मटर यूज़ कर रही हैं तो आप उसे लास्ट में डालें, क्योंकि फ्रोज़न मटर को ज़्यादा नहीं पकाया जाता। अब इस दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें। साथ ही प्याज मटर को भी हमें 1 से 1.5 मिनट तक ऐसे ही पकाना होगा। प्याज और मटर को भी मैंने 1.5 मिनट तक पकाया। अब इसमें डालूंगी पत्ता गोभी। हमें अप्रॉक्स हर वेजी को 1.5 से 2 मिनट तक पकने का टाइम देना होगा, तभी वो अच्छे से स्वाद निखर के दे पाएगा। अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे। तो जैसे ही हमारे पत्ता गोभी थोड़े से नरम हो जाए तो अब इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर में ऑलरेडी अच्छे से पानी होता है, तो इसीलिए मैंने इसे लास्ट में यूज़ किया है। अब सारे वेजी को अच्छे से मिक्स कर लें। टमाटर में ऑलरेडी अच्छे से पानी होता है, तो इसलिए हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। लगभग 1/2 मिनट इसे पकने दें, और फिर इसमें मसाले डालना स्टार्ट कर देंगे हम। जैसे 1/2 मिनट हो जाए तो हम इसमें डालेंगे नमक। नमक थोड़ा सा कम ही डालना है, क्योंकि टेस्ट मेकर में भी नमक होता है। डालें इसमें लाल मिर्ची, तीखा आपको जितना पसंद है आप उस हिसाब से डाल सकती हैं। मैं यहाँ इसे थोड़ा स्पाइसी सा बना रही हूँ, थोड़ा मसालेदार बना रही हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा के ही मिर्ची दिया है। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं खुद मैगी लवर हूँ, तो मैं जब भी मैगी बनाती हूँ तो हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी बनता है। अब वेजीज थोड़े से पक चुके हैं। अब इसमें बारी है डालने की टेस्ट मेकर की, जो हमारे मैगी के स्वाद को और ज़्यादा बढ़ा देगा। यहाँ पे मैंने दोनों टेस्ट मेकर डाल दिए हैं, और अच्छे से मिक्स कर दीजिए अब। और अब बारी है इसमें पानी डालने की। मैंने यहाँ पे 1.5 ग्लास पानी लिया है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, और साथ ही हम डालेंगे इसमें मैगी। मैं मैगी के यहाँ टुकड़े करके डाल रही हूँ, आप चाहे तो ये डायरेक्ट भी डाल सकती हैं। अब इस सबको अच्छी तरीके से हम बॉईल कर लेंगे, और जब तक ये बॉईल होता है तब तक हम एक काम कर सकते हैं, जाके सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो लीजिए, ये बॉईल होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन हम यहाँ पर ड्राई मैगी बना रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा। तो लीजिए, तैयार है हमारी स्पेशल वेजी मसाला मैगी। तो कैसी लगी आपको ये हमारी स्पेशल मैगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। साथ ही इसे लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ ये मैगी की स्पेशल रेसिपी ज़रूर शेयर करें।